हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे JBL को इनेबल कर सकते हो। तो चलिए गाइस, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो गाइस, आपको क्या करना है, आपको जाना है मोबाइल सेटिंग में। तो मोबाइल सेटिंग में चलते हैं और ये आपको रेडमी का फ़ोन दिया गया है। तो गाइस, आपको मोबाइल सेटिंग के आइकन पर जाना है, तो आपको यहाँ पर मोबाइल सेटिंग का आइकन दिया गया, जिसको हम क्या करेंगे पहले ओपन कर लेंगे। तो चलिए गाइस, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको गाइस क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको जाना है ब्लूटूथ पे। तो गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फंक्शन दी गई है, बट आपको यहाँ पे ब्लूटूथ पे जाना है, तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसको हम पहले पहले ओपन कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है, फिर हम यहाँ पे रिफ्रेश मार देंगे। रिफ्रेश मारने के बाद आपका जो JBL का है वो आपका नाम आ जाएगा। तो गाइस जैसे देख सकते हैं आपका आ रहा है नाम, बट गाइस हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो JBL का है नाम आ चुका है। फिर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करना है आपका इसको इनेबल करना, तो आप पेयर पे क्लिक कर लेंगे। तो गाइस आपका जो है ये JBL का इनेबल हो चुका है। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है, और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।